Hello everyone! I hope you people are absolutely fine, there, healthy and healthy. My name is Kanupriya, and I welcome you here in today's video. In this video, we are going to cover the second chapter of Class 10 CBSE from Literature Language and Literature. The name of the chapter is Long Walk to uh, to Freedom. It has been written by um, Nelson, Cloleys. Mandela. and in this chapter we are going to read about an extract from the autobiography of Nelson Mandela that is Long Walk to Freedom. In this, we are going to cover the historic occasion, the historic occasion, the inauguration day of South Africa, where the blacks, when ultimately the blacks came into power with the extreme force and the tenacious efforts put by Nelson Mandela and the people of. South Africa. So let us begin with the chapter 10th May dawned bright and clear for the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration the inauguration would be the largest gathering ever to international leaders on South African soil. So in this chapter the date, the date marked is 10th May the date marked is 10th may and we can see here 10th may 1944 uh, 26 years back south africa gained its freedom from the power of uh, from the power and domination of whites so 10th may dawned dawn means begin. very bright and clear it was a very happy day the nature rem remarking its significance of the day was in matlab, nature bhi support karathao ko उस डे को क्या करने में उस डे को uh, सजाने में उस डे को हाईलाइट करने में फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेसेंटली पिछले कुछ दिनों में बहुत खुश थे और इतने खुश मतलब इतने ज़्यादा खुश थे मोर ओवर वर्ल्ड की बड़ी बड़ी हस्तियों और बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स से मतलब है प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स एंड द सुप्रीम अथॉरिटीज फ्रॉम एवरी कंट्री जो आ रहे थे उनके आसपास घिरे हुए थे इनोग्रेशन से पहले जो सब उनसे मिलने आ रहे थे उनको रेवरेंस देने आ रहे थे उनको रिस्पेक्ट देने आ रहे थे द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इन द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल पहली बार साउथ अफ्रीका में इतनी बड़ा इनग्रेशन सेलिब्रेशन होने वाला था जितने जिसमें बड़े बड़े लीडर्स आने वाले थे द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैन स्टोन एम्फी थिएटर एम थिएटर क्या है एक बहुत बड़ी सी जगह होती है यहाँ पे मीनिंग भी लिखा है जैसे आ, ओपन ग्राउंड होता है ओपन प्लेस होती है जहाँ पे जहाँ पर पब्लिक सराउंड ऐसे पब्लिक के लिए स्पेस होती है और बीच में डिनिनेशनस हो आ, बीच में पोजिशन होती हैं बड़े लीडर्स के लिए या डिग्नेटरीज लोगों के लिए ठीक है फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया प्रिटोरिया नाम की जगह पे ठीक है फॉर डेकेज दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी ये जो जगह थी हमेशा इसपे कई सालों तक वाइट लोगों ने राज किया सुप्रीमेसी उनकी पावर थी एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ आर रेनबो गैदरिंग रेनबो गैदरिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे ठीक है इस लाइन का मतलब इस बॉक्स में लिखा है अ ब्यूटिफुल कमिंग टूगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स पीपल्स का मतलब है अलग अलग कंट्री से अलग अलग लोग आए हुए थे हर नेशन से अलग अलग कंट्री के अलग अलग हेड्स आए हुए थे तो वो एक कलरफुल साइट था जिस तरीके से रेनबो के कलर्स दिखते हैं एक ग्लोरियस मोमेंट था वहां पे सब लीडर्स का इकट्ठा होना ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ इंस्टॉलेशन मतलब स्थापित होना साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का नॉन रेशियल मतलब जो किसी भी रेस के ऊपर रेस मतलब गोरा काला ब्लैक्स एंड वाइट्स ब्लैक्स एंड व्हाइट्स और उसके साथ साथ दूसरी जैसे जर्मन एक रेस है जैसे जर्मन में ब्लू आइड आर्यन एक रेस थी ठीक है इसी तरीके से बिना किसी रेस के डिनोमिनेशन के ये गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई थी ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अ कंपनीड बाई माई डॉटर जेनानी ठीक है जिनानी को कंपनी uh, मतलब सपोर्टेड एंड असिस्टेड विथ तो साथ में कौन आई ठीक है उनकी बेटी आई जिनानी ऑन द पोडियम डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वोन स्वोन मतलब कसम खाना शपथ लेना ठीक है जिन्होंने सबसे पहले शपथ ली इन एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट देन थाम्बो

उस पूरे देश की उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने का उन्होंने शपथ ली और उसके लोगों की भी टू द सेम्बल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड और सबको उन्होंने जो एड्रेस किया वो इस यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक उन्होंने जो एड्रेस किया लोगों को वो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं टुडे ऑल ऑफ आज डू बाय बायर प्रेजेंस कॉन्फर मतलब यहाँ पे देते हैं उम्मीद करते हैं आशा करते हैं किसकी ग्लोरी ग्लोरी मीन्स शान ग्लोरी मीन्स एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी न्यू बॉर्न मतलब जो आजादी आज हमें मिली है आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्सट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जितने भी ह्यूमन के द्वारा डिजास्टर नोटिस किए गए हैं चाहे वो मेंटल लेवल डिजास्टर्स हों चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स के बेसिस पे हों जितने भी ह्यूमन डिजास्टर हुए हैं जितने भी इंसान के द्वारा किए गए बड़े काम हुए हैं दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड एक हमेशा ऐसा जरूर होना चाहिए कि उस डिजास्टर के बाद एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जिस पर हर इंसान को गर्व हो वी हुर आउट लॉज नॉट सो लॉन्ग अगो आउट लॉज मतलब वी हम लोग जो थे जो पार्ट थे किसी पॉलिसी का ठीक है जो कि अब नहीं है वर्ल्ड ऑन आर ओन सॉइल कि वो क्या कहते हैं ये ये जो जमीन थी हमारी ही थी बट हाँ किसी एक पॉलिसी के के अंदर आकर हमारे ये लॉज जो थे हमसे ही छीन लिए गए थे आज हमें को ये प्रिविलेज प्रिविलेज का मतलब है मौका खास मौका मिला है लिख लीजिए खास मौका मिला है कि आज हम होस्ट करें वेलकम करें अलग अलग नेशंस को अपनी जमीन पर वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट डिस्टिंग मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न इंटरनेशनल जितने भी गेस्ट आए हैं फॉर कमिंग टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ़ आर कंट्री ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी उन्होंने क्या कहा कि आज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें सभी देश के नेता सभी देश के बड़े बड़े लोग कि जस्टिस क्या होता है शांति क्या होती है और ह्यूमन की रिस्पेक्ट डिग्निटी मतलब होता है रिस्पेक्ट वो क्या होती है और उसको मेंटेन करना क्या होता है एक इस चीज का भी लेसन लेने सब यहाँ आए हैं वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पोलिटिकल इमेंसिपेशन पोलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब है कि हमारे ऊपर एक पोलिटिकल रिस्ट्रिक्शन होती थी ऑफ वाइट पीपल अब वो हमारे ऊपर से वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है रिस्ट्रिक्शन मतलब बंदिशी प्लेज आर सेल्व टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी और वो क्या कहता है आज मैं कसम खाता हूँ और अपने सारे प्रेजिडेंट्स के साथ ये कसम खाता हूँ कि आज मैं फ्री कर दूंगा लिबरेट मीन्स फ्री जितने भी लोग हैं हमारे जो अभी तक बॉन्डेज में फंसे हुए थे बॉन्डेज मतलब बंदिशों में किसकी गरीबी की उन्हें कोई राइट्स नहीं मिलते थे डेपरीवेशन ठीक है जिसमें किसी भी इंसान के राइट्स ले लिए जाते हैं सफरिंग पीड़ा जेंडर जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन और जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते थे आज सबके से मैं अपने नेशन को फ्री करता हूँ नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल गेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बेन बाई वो कहते हैं ना कभी भी कभी भी और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अब इस धरती पर आकर किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन ऑपरेशन होता है जिसमें इंसान के ऊपर दबाव डाला जाता है किसी भी तरीके का दबाव कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से एक्सपीरियंस कर सके कभी नहीं होगा और नेवर एंड नेवर एंड नेवर रिपीटिशन का इसलिए यूज़ किया गया है ताकि वो उस चीज़ की स्ट्रांगनेस स्ट्रांग एसेंस को बता सके कि ऐसा कभी भी ह्यूमन हिस्ट्री में दोबारा साउथ अफ्रीकन अफ्रीका में ह्यूमन फ्यूचर में कभी नहीं होगा द सन शैल सेट नेवर सेट ऑन ऑन सो ग्लोरियस आउमन अचीवमेंट वो कहते हैं कि आज ये इतनी बड़ी ह्यूमन uh, अचीवमेंट है हमारी इस लैंड के लिए कि आज के बाद सन की भी रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी इस अचीवमेंट की रोशनी है जितनी इस अचीवमेंट की uh, खुशी है हम सबको लेट फ्रीडम रेन और यहाँ पर रूल करने दो रेन का मतलब होता है रूल और यहाँ पे आजादी को रूल करने दो आजाद होने दो लोगों को गॉड ब्लेस अफ्रीका ठीक है मतलब वी का मतलब क्या है सारे लोग जो है अपनी जितने भी लोग वहां बैठे हुए थे इंक्लूडिंग नेल्सन मंडेला उन सब क्या किया अपने आखे, अपनी आंखें अपनी आंखें जो थी आसमान में उठाई और एक बहुत ही हैरानी के साथ उन्हें क्या देखने को मिलता है और उन्हें एक बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है ठीक है वो नज़ारा किसका था साउथ अफ्रीकन जेट्स का हेलीकॉप्टर्स का ट्रूप कैरियर्स का जो कि शोर करते हुए पूरे आसमान पे एक परफेक्ट फॉर्म uh, करके ठीक है यूनियन बिल्डिंग्स के चक्कर लगा रहे थे और वो बिल्कुल उसी तरीके से था जिस तरीके से रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर इंडिया में क्या है हमारे जो जेट्स जो हैं अपनी कर्तव्यबाजी दिखाते हैं अपना डिस्प्ले करते हैं अपनी शान को हमारे रिस्पेक्ट देते हैं हमारे प्रेजिटेंस और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे लॉ सिस्टम को उसी तरीके से ये लोग भी एयर में अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन पिन पॉइंट प्रसिजन का मतलब है एवरी थिंग सो पर्टिकुलर एंड बिल्कुल एक्ूरेट थी एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी और उसके थ्रू वो क्या दिखाना चाहते थे कि जो हमारी मिलिट्री है वो किस वफादारी के साथ किस ईमानदारी के साथ जो इन्हें साउथ अफ्रीका जो को जो डेमोक्रेसी मिली है उस पर वो क्या करेंगे आ, अमल रहेंगे और उसको फॉलो करेंगे अपनी वफादारी दिखाएंगे टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैली इलेक्टेड और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनी है जो कि फ्री है फ्री मतलब उस पर किसी भी तरीके का आ, बंदिश नहीं है लोग अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री थे और बहुत ही ईमानदारी से डिसीजन लिए गए हैं ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस दिडेक्ट रिबन बिडेक्ट का मतलब है सुसज्जित so, की गई थी उनके ऊपर स्टार्स और आ, लग, और मेडल्स लगाए गए थे तो उनकी पूरी वो जो चेस्ट थी वो लदी हुई थी किससे ऑनर से से रिस्पेक से रिस्पेक्ट रिबन मेडल से ऑनर थे आज के दिन वो सारे लोग फ्रॉम डेज गॉन बाय जो अभी हाल ही में दिनों में उन्हें बैजेस मिले हैं वो सब खड़े हुए थे वहां पे लाइन में सल्यूटेड मी एंड प्लेच डेयर लॉयल्टी और उन्होंने भी नेल्सन मंडेला को अपनी लॉयल्टी दी और लॉयल्टी का डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोमिस दिया ठीक है आई वॉज नॉट अन माइंडफुल ऑफ द फैक्ट अनमा मतलब ध्यान ना होना तो ऐसा नहीं था कि उनका ध्यान ना हो इस बात पे कि कुछ साल पहले ठीक है बिफोर दे वुड नॉट हैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी अगर कुछ साल पहले की हम बात करें तो वो कहते हैं कि यही लोग जो थे मेरे को सल्यूट नहीं करते थे यही लोग मेरे को बल्कि अरेस्ट करके ले जाया करते थे फाइनली अवरॉन ऑफ इम्पाला एक वी पैटर्न बना इम्पाला जेट्स का साउथ अफ्रीकन जेट्स का वी फॉर्म में लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग जैसे हमारे हमारे इंडिया के तीन आ, एरेज बनते हैं थ्री लाइंस बनती हैं रेज बनती हैं और स्मोकी ऑफ स्मोकी ऑरेंज वाइट एंड सैफरन वाइट एंड ग्रीन कलर सिमिलरली साउथ अफ्रीकन फ्लैग के जितने भी न्यू कलर्स थे ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू और गोल्ड उन सब के वो स्मोक उड़ाते हुए वो जेट्स जा रहे थे द डे वॉज सिंबलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम कितनी बड़ी बात थी उस दिन स्पेशल क्या था एक कि दो नेशनल एंथम गाए गए द विजन्स ऑफ द वाइट सिंगिंग जो, जो वाइट लोग थे वहां पे उन्होंने अपना गाया ठीक है नकोसी सिखले आई अफ्रीका एंड द ब्लैक सिंगिंग डाइस्टम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक और ये जो ब्लैक लोगों का एंथम नेशनल एंथम हुआ करता था वो गाया गया ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम ठीक है ईदा ग्रुप मतलब ना ही वाइट्स को ब्लैक्स का आता था ना ही ब्लैक्स को वाइट्स का नेशनल एंथम आता था बट फिर भी उन्होंने दे वंस डिस्पाइज डिस्पाइज क्यों एक दूसरे की निंदा करते थे पहले क्रिटिसाइज करते थे कि हम तुम्हारा नेशनल एंथम नहीं गाएंगे और ब्लैक्स कहते थे हम तुम्हारा नहीं गाएंगे बट आज दे वुड सू नो द वर्ड्स बाई हार्ट पर अब उन्होंने ये रेजोल्यूशन किया था कि दोनों एंथम बजा करेंगे इसलिए उन्होंने क्या बोला कि जल्द ही ऐसा टाइम भी आएगा एक वो टाइम था जब लोगों को नेशनल एंथम नहीं याद होते थे एक दूसरे को और अब एक ऐसा टाइम भी आएगा कि पूरे मन से दिल से एक एक शब्द उनको दोनों ही नेशनल एंथम का याद होगा

इन ट्वेंटियथ सेंचुरी की शुरुआत के टाइम पे बात करें सेंचुरी होती है बेटा 1900 हंड्रेड टू नाइनटीन वो कहते हैं शुरुआत के कुछ डेकेड्स में क्या रहा है कुछ ऐसे ईयर रहे थे ठीक है द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैचड देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क पीपल ऑफ देयर ओन लैंड उस दिन एक ऐसा एक मोमेंट ऐसा आया था वो कहते हैं कि एक बहुत ही कड़वा एंग्लो एंग्लो-बॉयर वॉर हुआ था और ये मोमेंट है नेल्सन मंडेला के बर्थ से पहले का जिस दिन वाइट लोगों ने क्या किया साउथ अफ्रीका के लोगों के ऊपर साउथ अफ्रीका के लोगों के ऊपर जो था अपना सिस्टम इरेक्ट ऐसा किया जिसमें रेशियल डोमिनेशन होने लगी डिफरेंसेस बढ़ने लगे किसके ऊपर अपनी ही ज़मीन के डार्क लोगों के ऊपर मतलब ब्लैक्स के ऊपर ठीक है और वो स्ट्रक्चर ऐसा हो गया कि इतना हार्श बन गया टॉर्चर वाला बन गया ब्लैक्स के ब्लैक्स के लिए कि ब्लैक्स का अपनी ही कंट्री में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था ठीक है द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन मतलब इंसानियत की फीलिंग ही ना होना हार्श मतलब बहुत क्रूअल सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन नाउ इन द लास्ट डेके ट्वेंटी सेंचुरी के लास्ट डेकेड की बात करें मतलब कितने थे uh, जब एटी ईयर अराउंड ठीक है दिस्टम हैड बीन अब वो सिस्टम क्या हो चुका था ओवर टर्न फॉर एवर और वो सिस्टम ऐसा चेंज हुआ एंड रिप्लेस बाय रिकोगनाइज द राइट और अब ऐसा सिस्टम आया कि उसने रिप्लेस कर दिया एक ऐसे सिस्टम से जिस सिस्टम में क्या था सबको उनके हर इंसान को अपना राइट right मिल रहा था एज अ सिटीजन फ्रीडम मिल रहा था चाहे वो किसी भी कलर का हो किसी भी स्किन का हो तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कब शुरू हुआ था वाइट्स का डोमिनेशन वाइट्स का डोमिनेशन कब खत्म हुआ ब्लैक्स का डोमिनेशन कब स्टार्ट हुआ वाइट्स का डोमिनेशन के लिए उन्होंने एक लाइट लाइन हाईलाइट की है वाइट्स के डोमिनेशन के लिए कि वो बहुत हार्श इनह्यूमन कल्चर था ठीक है जिसमें रेशियल डोमिनेशन बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था किसके अगेंस्ट डार्क पीपल के अगेंस्ट ठीक है बट बाय दी एंड जब ब्लैक्स पावर में आए हैं तो वो क्या लेकर आए हैं ब्लैक्स सबके लिए राइट right, सबके लिए फ्रीडम्स और सबके लिए सबके लिए जीने का हक ठीक है चाहे वो लोग किसी भी कलर के हो चाहे वो व्हाइट हो चाहे वो ब्लैक हो अन इमेजिनेबल सैक्रीफाइसेज वो कहते हैं कि इतने सैक्रीफाइसेस इस लड़ाई के लिए दिए गए हैं कि उनकी काउंटिंग भी नहीं हो सकती है हजारों में वो लोग हैं माई पीपल माई पीपल मतलब पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका जिसे जिसे नेल्सन मंडेला माई करके डिनोट कर रहे हैं तो वो कहते हैं हजारों लोगों के ऐसे ऐसे सैक्रीफाइजेस हैं जिनका आइडिया भी नहीं लग सकता पीपल हु सफरिंग हैड करेज एंड करेज जिन लोगों का दुख दर्द और उनका साहस कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड वो कहते हैं ऐसे ऐसे सैक्रीफाइजेज हैं कि उन का को कि कोई वैल्यू कोई अगर लगाने लगे तो वो पॉसिबल नहीं है ठीक है उसके बाद आई फेल्ट दैट डे वो कहते हैं मुझे उस दिन रियलाइज हुआ एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज वो कहते हैं एक ऐसा दिन आया जिस दिन एक ऐसे दिन रियलाइजेशन हुआ मेरे को जो मेरे को आने वाले दिन तक रियलाइज कॉन्टीन्यूसली होता रहा वो बात दिल में आती रही आती रही बार में दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स वो कहते हैं मैं अगर कुछ कर पाया हूँ साउथ अफ्रीका के लिए तो उन सबका जो करेज मेरे अंदर आया है सम ऑफ का मतलब होता है प्लस एडिशन तो कहते हैं उन सब का करेज मिलाकर जितने भी वो अफ्रीकन पैट्रियट्स थे जितने भी वो देशभक्त थे उन सब का जो साहस था वो मेरे अंदर आ पाया है अगर उन सब का साहस नहीं होता तो शायद मैं भी अफ्रीका के लिए इतना बड़ा स्टेप नहीं ले पाता गॉन बिफोर मी जो नेल्सन मंडेला से भी पहले सेक्रीफाइस करके नेशन के लिए लड़ाई करके मर गए हैं शहीद हो गए हैं दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विद मी उन्होंने क्या बोला कि वो एक वो लंबी लाइन थी उन महान लोगों की ठीक है जिन्होंने अफ्रीका के लड़ाई की है अफ्रीका के हक के लिए <coughs> और अब वो कहते हैं कि मेरे साथ वो खत्म हो गई थी लाइन पर अब वो लाइन मेरे आने से फिर शुरू हो गई है जिसमें ब्लैक्स अपने हक के लिए बिल्कुल रहेंगे तो इसमें ब्लैक्स को उनकी पूरी पावर मिलेगी बट वो साथ साथ वाइट्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम वो कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की बहुत दुख होता है कि वो मेरे सामने आज जिंदा नहीं है कि मैं उनको थैंक कर सकूँ उनके सेक्रीफाइज के लिए दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइजिज हैड राउट राउट का मतलब है ब्रॉट आउट ठीक ले है लेकर आए हैं क्या किया है अचीव्ड लिखा है यहाँ कि उनके सेक्रीफाइस ने क्या क्या हासिल किया है काश वो होते तो तो वो मोमेंट क्या होता उन सब के लिए एक बड़ा मोमेंट होता द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल ठीक है वूंड का मतलब क्या है जख्म तो जो पॉलिसी अपार्थीड की आई थी अपार्थीड क्या है द एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कलर ब्लैक्स एंड वाइट्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना वो अपार्थिड है क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड वो ऐसा गहरा और हमेशा के लिए रहने वाला एक ऐसा जख्म है जिसमें जो लोगों के दिल में हमेशा रहेगा ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स शायद जनरेशन तो नहीं बट हाँ काफ़ी साल लग जाएंगे हमको ये गम भुलाते हुए या ये दुख भुलाते हुए कि हाँ हमारे साथ इतना सारा टॉर्चर हुआ जिसमें हम ब्लैक्स को हमारे ही जीने के हक हमें नहीं मिले ऊपर से बहुत ज्यादा सहन करना पड़ा उन्हें रिकवरिंग फ्रॉम द गहरा, बहुत डीप चोट जो लगी है उससे उभरने में टाइम लगेगा उससे बाहर आने में टाइम लगेगा बट द ऑपरेशन बट वो साल ठीक है जिसमें ट्वेंटी सेंचुरी के बिगिनिंग से वो जो जितने भी साल निकले हैं ठीक है अस्सी साल सत्तर साल जितने भी निकले हैं ऑफ ऑपरेशन दबाव और, और ब्रूटैलिटी ब्रूटैलिटी मतलब हार्शनेस जहां पे लोगों को फिजिकली मेंटली और इमोशनली टॉर्चर किया जाता है हैड इन अदर अन इंटेंडेड इफेक्ट उस ब्रुटैलिटी का एक तो डिस्क्रिमिनेशन का एक तो अपारथीड का वूंड है दूसरा वूंड किस चीज का है एक तो अपार का वूंड है दूसरा वूंड है ऑपरेशन ऑफ ब्रूटैलिटी का जिसका ऐसा इफेक्ट है वो आ, कि वो भी जल्दी ही लोगों के अंदर नहीं होगा एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस ओलिवर टैम्बोस द सिसिलस द चीफ ल्यूथिलस एंड यूसुफ़ दादोस द ब्राहम फिशर्स द रोबोट सुबुक वाज ऑफ आत टाइम और उन्होंने क्या कहा कि मेरे से आने वाले पहले इन लोगों का सेक्रीफाइस मेरे लिए बहुत मैटर करता है ठीक है बहुत मैटर करता है ये बहुत ही एक्स्ट्रो ऑर्डिनरी मैन है जिन्होंने अपना एक्स्ट्रोर्डिनरी करेज दिखाया विजडम दिखाई और जेनरॉसिटी दिखाई ठीक है दैट लाइक में नेवर बी नोन अगेन उनके जैसा साहस उनके जैसा विजडम और उनके जैसी जेनरॉसिटी आज तक किसी ने भी नहीं दिखाई और उनके लिए कोई और जाना भी नहीं जा सकता परहैप्स इट रिक्वायर सच डेप्स ऑफ ऑपरेशन वो कहते हैं कि हाँ इतनी हाइट बना ऑफ कैरेक्टर हाइट ऑफ कैरेक्टर मतलब रिस्पेक्ट जो उन्होंने लोगों के मन में बनाई है अपने लिए अपने काम से अपने सेक्रीफाइस से ठीक है या अपने हार्डवर्क से हार्डवर्क ऑफ रिबेल उन्होंने कहा है कि वो जो उन्होंने हाइट बनाई है वो इतनी आसानी से नहीं आती वो पेन ही था जो उनको इस लेवल का रिस्पेक्ट आज दिला रहा है और वो रिस्पेक्ट क्यों था कि वो हम ब्लैक्स की तरफ से लड़े उन्होंने सेक्रीफाइस किया माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इन इट्स सॉइल वो कहती है क्या मेरी कंट्री में ये एक अच्छी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और की लाइन है वेरी इमोशनल एंड वेरी वैल्यूएबल लाइन फ्रॉम दिस चैप्टर माय कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई वो कहते हैं मेरी कंट्री में भले ही बहुत मिनरल्स हो अनमोल रतन हो इसकी मिट्टी के नीचे बट मेरी धरती पर मेरी लैंड पर आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल वो कहते हैं कि सबसे बड़ी वेल्थ जो है मेरी कंट्री की वो मिनरल्स और जेम्स के अलावा क्या हैं वो सबसे बड़ा है वेल्थ लोग यहाँ के जो कि बहुत अच्छे हैं बहुत ही सच्चे हैं बिल्कुल प्योर डायमंड के जैसे ठीक है फॉर नाउ आई एम पॉजिंग द आई एम स्टॉपिंग द वीडियो टिल हेअर टू सी एंड टू लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर यू मस्ट लुक द सेकेंड वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू वाइंड अप द एंटायर रेस्ट ऑफ द चैप्टर सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास होप यू स्टे होम सेफ एंड हेल्दी सी या गॉड ब्लेस यू बाय